नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अगर आपके घर में बिजली आ रही है तो आप बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं, क्योंकि देश के कई राज्यों में कोयले की कमी के बीच बिजली संकट मंडरा रहा है। सोचिए, जब आप घर से बाहर निकले और तपती गर्मी से आपका हाल बेहाल हो जाए और इस बीच आप गर्मी से राहत पाने के लिए घर पहुंचे तब बिजली ही गुल हो जाए, ना पंखा ना कूलर और ना ही एसी मिले, तब आप पर क्या गुजरेगी। ऐसा ही कुछ हाल देश के कई राज्यों में हो रहा है। कई राज्यों में लोग बिजली संकट से गुजर रहे हैं। लगातार बिजली संकट से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। आजकल लोगों का जीवन पूरी तरह से बिजली पर निर्भर हो गया है। मेट्रो, फैक्ट्री, अस्पताल, ऑफिस सभी बिजली पर निर्भर हैं। वहीं बिजली घरों में कोयले की कमी को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने कोयला ले जाने वाली मालगाड़ियों को यात्री गाड़ी से पहले ग्रीन सिग्नल देने का निर्देश दिया है। और वहीं रेलवे ने इसके अलावा 28 अप्रैल से 8 पैसेंजर गाड़ियों को अगले आदेश तक रद्द भी किया है। वहीं इन सब के बीच बिजली संकट को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर तीखा प्रहार कर रहा है। तो बिजली संकट किस तरह से गहरा रहा है ये आप सभी जानते हैं। देश के कई ऐसे राज्य जहां बिजली संकट से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन क्या ये संकट इसी तरह से बना रहेगा, क्या इससे निजात मिलेगी, कई सारे ऐसे सवाल जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उपराविप अभियंता संघ से महासचिव प्रभात सिंह जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रभात जी आपका जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था, ये कहा गया था बिजली संकट है, लेकिन सरकार की तरफ से साफ किया गया कि बिजली संकट नहीं है, लेकिन अब साफ नजर आ रहा है कई राज्यों में कई घंटों की कटौती की जा रही है बिजली की। और फिलहाल हम बिजली कटौती को लेकर बात करेंगे, बिजली की आपूर्ति, कोयला संकट को लेकर बात करेंगे, किस तरह से देख सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा है कि बिजली संकट डेफिनेटली, जब बिजली अवेलेबल हमें जनरेटिंग प्लांट से होती है तो उसके लिए कोयला मुख्य रूप से फ्यूल है, और जितना ज़्यादा कोयला अवेलेबल होगा उसी के अनुरूप जो हमारा प्लांट है उसकी यूनिट चलती हैं। जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा जो नॉर्मेटिव जो स्टॉक की रिक्वायर्ड वैल्यू जो डिसाइड कर रखी है वो उस पर निर्भर करती है कि 85% PLF पे अगर प्लांट चलेगा तो कितना कोयला रिक्वायर्ड होगा, उसके हिसाब से नॉर्मेटिव नंबर ऑफ डेज डिसाइड कर रखी कि इतने दिन का कोयला हमारे पास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोयले की उपलब्धता में आई हुई कमी के कारण प्लांट्स अपने पूरे लोड पर नहीं चल पा रहे हैं, जिस कारण से जो है आपने जो कहा कि एक तरीके से बिजली संकट जो उत्पन्न हो रहा है, पावर क्राइसिस जो उत्पन्न हो रही है, ये डेफिनेटली कोयले से जुड़ा हुआ ही विषय है। परंतु आपने महसूस किया होगा कि सरकार इस टाइम बहुत ही एक्टिव मोड में है इस चीज को लेके, और अभी रिसेंटली बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं कोयले की कोल क्राइसिस की चुनौतियों को मीट आउट करने के लिए। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली नंबर ऑफ रैक्स बढ़ाई हैं जिससे कि क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा कोयला प्लांट में पहुँचे। साथ ही जो ट्रैक, फ्री ट्रैक मतलब फ्री वे मिले, रास्ता सीधा मिले प्लांट के लिए, उसके लिए 32 के आसपास ट्रेनें भी बंद की गई हैं। तो जो जो भी मेजर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम ले जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, मिनिस्ट्री ऑफ कोल में और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, जिससे अधिकतम से अधिकतम कोयला जो है पावर प्लांट के पास पहुँचे। और अगर इसी प्रकार से लगातार इस कोयले संकट में कार्रवाई होती रहेगी तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे चीजें नॉर्मल पटरी की ओर जाने की ओर जाएंगी, और ये पावर क्राइसिस वाला जो स्वरूप जो आप महसूस कर रहे हैं इसमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं चीजों में कमी आएगी। ठीक है, कमी आएगी, लेकिन ये संकट जिस तरह से गहरा रहा है, लोगों में काफी ज्यादा डर भी है, क्योंकि हम कई राज्यों में देखें और उन राज्यों की कई ऐसी जगह है जहां अगर 18 घंटे बिजली देने की बात कही गई तो मात्र 10 से 12 घंटे बिजली मिल रही होगी, ऐसे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही। ये तो आम परेशानियां भी हो गई, लेकिन मेट्रो, अस्पताल, इन सब बड़ी चीजों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम बात करें इस समस्या को लेकर, क्या परमानेंट ये समस्या खत्म हो सकती है या सिर्फ कमी आएगी इस समस्या में? देखिए मैम, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी रहती है कि हॉस्पिटल्स की, मेट्रोज की, रेलवेज की आपूर्ति बाधित किसी भी प्रकार से नहीं होगी। और मैं ये बता दूं कि कोयले संकट के बारे में लगातार पिछले 15 दिन से डिबेट चल रही है, परंतु कहीं कोई ऐसी रेलवे के चलने में कोई व्यवधान बिजली के कारण या हॉस्पिटल में कोई ऐसा व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ है।
इवन हमारे ही प्रदेश में ले लें उत्तर प्रदेश में, तो शहरों में लगातार 24 घंटे बिजली दी जा रही है, परंतु ये मैं बिल्कुल मानना हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती बिजली की उपलब्धता ना होने के कारण की जा रही है, जिसमें सरकार के हस्तक्षेप के बाद, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था, उसके बाद नंबर ऑफ रैक्स बढ़ाई गई, तो और हमारे जो PPAs वगैरह है जो हम लोगों ने एग्रीमेंट कर रखे है वो मई से अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये जो है ये चीजें जो है जो मीट आउट हो जाएंगी डिमांड, तो मई एक से चीजें पटरी पर आना शुरू होंगी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि तात्कालिक तौर पे कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि बिल्कुल कटौती मुक्त हो जाए, 18 घंटे का शेड्यूल है तो 18 घंटे में डेफिनेटली 10 घंटे लाइट मिल पा रही है रूरल एरियाज में कटौती के कारण, तो इसको मई एक मई से जो एग्रीमेंट्स हैं और कुछ हमारी तकनीकी कारणों से जो मशीनें बंद हैं वो भी चालू हो जाएंगी, स्थिति आ जाएगी। हरदोगंज की यूनिट है, 12 की यूनिट है हमारी, तो ये 660 मेगावाट की यूनिट है वहाँ पर, तो अगर वो चालू होंगी तो डेफिनेटली 2000 के आसपास और मेगावाट हमें डिमांड 1 मई के बाद मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो प्रश्न है सोचने का, हम सबको सोचना चाहिए कि अगर हर साल गर्मी आएंगी, हर साल बारिश होगी, हर साल सर्दी बरसात होगी, तो जो मैनेजमेंट का जो मुख्य काम होता है कि कैलेंडर के अनुरूप कार्य करने का, जैसे सबको पता है कि दीपावली आएगी तो उससे पहले हमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है सिस्टम का, इसी प्रकार से गर्मी आएंगी तो उससे पहले हमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, सिस्टम को अपग्रेड करना है एज पर द डिमांड जो हमारी फील्ड में बढ़ने वाली है अनुमानित डिमांड के आधार पर। तो जो मैनेजमेंट का काम होता है, जो फोरकास्ट करते हैं चीज़ों का, आगे निर्धारण करते हैं, वो मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं और टेक्निकल और सही होने की आवश्यकता है। वर्तमान में जो मैनेजमेंट के द्वारा जो भी इस चीज को ध्यान ना देने जैसी चीज हुई है, इसके कारण कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को दिक्कतें हो रही, तो इस चीज पर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा आपके चैनल का भी कि ये प्लानिंग का पार्ट कि हमने अपना प्रोडक्शन 14% बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन समय बैठ जाएगा और कोयला प्लांट्स में पहुंच जाएगा, तो जो दिक्कत है हम उसे इजिली मीट आउट कर ले जाएंगे। प्रभात जी, ऐसा कहा जाता है ये जो खनिज होते हैं हमारे पुराने वक्त के एक संपदा है, उनकी देन है, ऐसे में अगर यही खत्म होते जाएंगे जाहिर सी बात है, और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो आपने कहा वो प्लांट्स बंद है जो प्राइवेट तौर पर चल रहे थे या फिर आपने डिमांड को लेकर जिस तरह से चीज़ें रखी। फिलहाल मैं ये जानना चाहूँगी कि इस आपूर्ति के लिए कई सारी कोशिशें की जा रही हैं, अगर नए प्लांट्स को लेकर बात करें क्या इस तरह से हम कोई तस्वीरें देख सकते हैं? और आम जनमानस को सस्ती बिजली आज के समय में कौन मुहैया करा रहा है, ये हमें अध्ययन करना पड़ेगा। हमारा ही सरकारी उपक्रम है अनपरा तापी परियोजना, वो 1.5-2 रुपए यूनिट बिजली मुहैया कराता है सरकार को। हरदोगंज है, परीक्षा है, ये सब बहुत कम रेट में आम जनमानस को बिजली उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा भुगतान ना करने पर आपकी बिजली काट दी जाएगी, क्योंकि सरकारी उपक्रम है तो पहला उद्देश्य तो जनमानस की सेवा का रहता है भाव, तो हम उसी भाव से काम भी करते हैं। परंतु अगर जो है अगर हम इस चीज़ को देखें कि हमको कैसे सस्ती बिजली मुहैया करानी है उपभोक्ताओं को, तो प्राइवेट से ज़्यादा सरकारी प्लांटों की तरफ बहुत जाने की आवश्यकता है। और जो है इसी एंगल पे अगर आप जो कह रही हैं, जो आपने कहा कि खनिज हैं खत्म होने की कगार पर रहते हैं, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन हम एक डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग नेशन अपनी सोलर की तरफ जाएंगे, अन्य सोर्सेज पर विचार करेंगे, वो हम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कॉस्टिंग बहुत हाई रहती है। तो एक डेवलपिंग नेशन होने के कारण हमें डेफिनेटली अभी एकदम से हम थर्मल से किसी और व्यवस्था पर स्विच करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी होगी। तो थर्मल तो हमारे पास हमेशा ही सोर्स रहेगा, जैसे मान लीजिए सोलर है तो दिन में बिजली उपलब्ध हो रही है, दिन में एक्सचेंज में भी बिजली के दाम सस्ते हैं, परंतु पीक आवर्स तो शाम को 7 बजे से लेके रात 1-2 बजे तक रहता है, तो उस समय तो बिजली थर्मल से ही अवेलेबल हो पाएगी। अन्य स्रोतों में अगर जो बिजली आ भी रही है, मान लीजिए सोलर से हमारे पास एक्सेस बिजली प्रोड्यूस हुई, तो अगर हम उसको स्टोर करना चाहते हैं तो क्या स्टोर की व्यवस्था होगी, इस सब पर अभी अध्ययन शोध चल रहा है। तो जब तक ये सारी व्यवस्थाएं नहीं आ रही है तब तक तापी परियोजनाओं को लगाना ही सस्ती बिजली देने के लिए एकमात्र विकल्प है, और इस चीज को लेकर मैनेजमेंट को प्रस्ताव देना चाहिए गवर्नमेंट को। एक्चुअली मैनेजमेंट लेवल पे जो प्लानिंग होनी चाहिए
वो प्लानिंग का अभाव देखने को मिलता है। गवर्नमेंट फंड दे सकती है, गवर्नमेंट हमें रिसोर्सेज दे सकती है, गवर्नमेंट को हम प्रस्ताव देंगे उसको पारित कर सकती है, लेकिन जो प्लानिंग का फेज होता है, जो जो मैनेजमेंट लेवल पे होता है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ से जो है ये आम जनमानस को इन तरह की परिस्थितियां सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय तो है ही, और साथ ही हम अन्य तरीकों से, कोयले से हट के अगर अन्य तरीकों पर जाना चाहें, कोयला माना बेस्ट है, इससे हट के अगर किसी और तरीके पे हम जाना चाहें तो किस तरीके से हम बिजली की आपूर्ति और करा सकते हैं, कौन कौन से साधन देख सकते हैं? क्योंकि हम राजनीतिक तौर पर देखें, अलग अलग दल अपने अपने विचार साझा करते हैं, लेकिन वो विचार कितने कारगर हो वो कोई भी नहीं जानता। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कौन कौन से ऐसे साधन हो सकते हैं जिनसे हम समस्याओं को सुलझा जा सकें। देखिए, वर्तमान में जो ऊर्जा के स्रोत हमारे पास उपस्थित हैं, तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक तो थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, एक हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, है ना, इसी प्रकार से हमारे सोलर प्लांट्स हो गए, इसी प्रकार से हमारे गैस वाले जो प्लांट होते हैं, जो नेचुरल गैस से चलते हैं, वो प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें मिलेगी एनर्जी, विंड एनर्जी हो गई। तो इन सारी व्यवस्थाओं पर लगातार हमारे देश में शोध चल रहा है, और सबसे बड़ा जो चैलेंज है आज के समय में वो यह है कि सौर ऊर्जा की कमी कहीं से कहीं तक नहीं है हमारे पास, परंतु उसको कैसे स्टोर किया जाए जिससे कि उसे पीक आवर्स में दोबारा से जनरेट करके आम जनमानस तक पहुंचाया जाए। इसकी एक अच्छी पहल हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी ने की है। महाराज जी ने एक प्रस्ताव इस बार पारित किया है कैबिनेट से कि अयोध्या को हम जो है आत्मनिर्भर बनाएंगे ऊर्जा के क्षेत्र में। वो जो मॉडल है वो स्टडी करने लायक मॉडल होगा भविष्य में। उसमें जितना मैं अध्ययन कर पाया हूँ उसमें ये बताया गया है कि एक पूरा इको पार्क डेवलप किया जाएगा, सोलर पार्क अयोध्या में, जिसमें कि दिन में सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, और उस एनर्जी को जितनी यूज हो जाएगी अयोध्या में उतनी यूज हो जाएगी, उसके बाद उस एनर्जी को इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम जो है हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे, और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने के बाद उस एनर्जी को हम स्टोर कर लेंगे बड़े बड़े गैस चैम्बर्स में, और जब पीक आवर से डिमांड रिक्वायर्ड होगी तो हाइड्रोजन अपने आप में एक बहुत अच्छा फ्यूल है, तो आपने उससे रात में पीक डिमांड को मीट आउट करने के लिए हाइड्रोजन से हम दोबारा से बिजली पैदा करेंगे। ये एक प्रोसीजर डेवलप किया जा रहा है, ये हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही अच्छी सोच है, एक अच्छी पहल है हम सबके लिए, तो आत्मनिर्भर बनाने की तरफ भी है। और आपने सुना भी होगा अभी हमारे माननीय मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी, वो भी एक हाइड्रोजन फ्यूल कार में एक दिन ट्रेवल कर रहे थे, उन्होंने बोला था हाइड्रोजन भविष्य में एक फ्यूल का जरिया होगा। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन एनर्जी की भी ऊपर जो है जो अध्ययन चल रहा है, अगर अयोध्या में डेवलप होगा तो उत्तर प्रदेश के अन्य कई जनपदों में ये डेवलप होगा, ये वहां पर एक इसका शोध केंद्र भी बनेगा दीर्घ समय, जिसपे कि अध्ययन किया जाएगा कि किस तरीके से हर एक जनपद को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं सोलर एनर्जी की मदद से। तो भविष्य में निश्चित तौर पे नए नए डेवलपमेंट्स होंगे और जो है चीजें और नई दिशा में जाएंगी, परंतु चुनौती अभी यह है कि जो भी शोध का कार्यक्रम होता है वो तुरंत इम्प्लीमेंट करने में, चूंकि वो इनिशियल फेज में हर चीज महंगी होती है। जैसे आज के समय में आप ये पा रहे होंगे, आज से 2 साल पहले जो इलेक्ट्रिक कार और व्हीकल्स की कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन सरकार आगे बड़ी सब्सिडी दी, इलेक्ट्रिक कार और डीजल की कॉस्ट कम हुई, लेकिन अभी भी मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल नहीं है। बिल्कुल। तो सरकार इसमें फर्दर ऑन डेवलपमेंट होगा, फास्ट चार्जिंग का डेवलपमेंट होगा, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे डीजल और जो है आपके फ्यूल जो पेट्रोल है उससे हटके लोग अब सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चले गए जी। मैं इस जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लोग मूव करेंगे चाहूंगी कि बहुत जगह ये कहा जाता है कि आपने तमाम तरीके बताए तो, लेकिन बायोगैस प्लांट्स को लेकर काफी सारी चीजें सामने आती, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम बिजली बना सकते हैं, तो बायोगैस प्लांट को लेकर हम आपसे डिटेल में कुछ जानना चाहेंगे। देखिए मैम, बायोगैस प्लांट जो होता है वो डेफिनेटली, देखिए ऊर्जा स्रोत जैसे यहाँ कोयला है, वहाँ जो बायोडिग्रेडेबल से जो गैस निकलेगी वो बायोगैस होगी। हाँ। बायोगैस से आप एक तरीके से, जैसे अभी जो हमारे ऑलरेडी जो नेचुरल गैस पे जो प्लांट बने हुए हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। वहाँ पर हम नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल, उसमें हम बायोगैस यूज करेंगे एज अ फ्यूल।
बायोगैस का कहीं कहीं यूज भी करते हैं, इवन हम फ्यूल के तौर पे कहीं कहीं जो हमारा बायोमास होता है उसको भी हम बॉयलर में डालकर कोयले के साथ मिक्स करके यूज करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है जिससे हमारी जो है कम कोयले पर रिक्वायरमेंट रहे या जो भी, उसके लिए स्पेशली डिजाइन बॉयलर्स रहते हैं। तो हम ये कहें कि एनर्जी की डिमांड को हम मीट आउट कर ले जाएंगे बायोमास से, तो अभी इस प्रकार की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, छोटे छोटे प्लांटों से छोटी छोटी बस्तियों को एनर्जाइज करने वाला प्रावधान है उसमें, प्लस उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा रहती है, तो इसलिए अभी बायोगैस वाले पे आपने देखा होगा ये बहुत ही पुराना टॉपिक है। बायोगैस से जो है घर के लिए ईंधन जलाने का भी काम पहले बायोगैस से कराया गया था सरकार के द्वारा योजना के तहत कि बायोगैस प्लांट लगाएंगे उससे घर में ईंधन का कार्य करेगा, परंतु उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और अन्य कॉस्टिंग को देखते हुए वो कहीं ना कहीं अभी सब लोग उस पर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जो नित नए शोध हो रहे हैं वो चीज आपके सामने है कि सोलर जो है एक तरीके से सारे आम जनमानस के बीच में कॉमन हो चुका है। हर व्यक्ति अपने घर के छत पर सोलर प्लांट लगाना चाहता है, आपने महसूस किया होगा, उससे उसे एनर्जी में बेनिफिट भी मिलता है और हमें भी डिमांड मीट आउट करने का साधन मिलता है। तो सोलर जो विकल्प निकल के आ रहा है ये आगे आने वाले 5-10 साल में हमारी सारी डिमांडों को मीट आउट करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि वन ग्रिड वन जो है वन ग्रिड वन नेशन वाली जो थ्योरी है या सारे नेशन मिलके एक ग्रिड बनाए सोलर की, जिससे सोलर की उपलब्धता कहीं तो रहेगी और वहां से एनर्जी का डायवर्जन करके हम मीट आउट कर सकेंगे, अच्छी सोच है। और सारी दिशाओं में ऊर्जा के में स्रोत शोध चल रहा है जिससे भविष्य में ये सारी चीजें मीट आउट की जाएंगी। ठीक प्रभात जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कई राज्यों में ये समस्या दिख रही है, भारत को अन्य देशों से अगर कंपेयर किया जाए तो किस तरह से हम देख सकते हैं कि बिजली का जो संकट है क्या सबसे ज्यादा भारत में ही देखा जा सकता है या फिर अन्य देशों में भी इस तरह की चीजें देखी जा सकती हैं? क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है खनिज को देखते हुए भारत में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अब बिजली संकट गहरा रहा है, तो कंपेयर किस तरह से हम कर सकते हैं? देखिए मैम, ऐसा नहीं है, ये रशिया यूक्रेन वॉर से जो इम्पोर्टेड कोल की व्यवस्था अन्य देशों में भी है वहाँ पर भी स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी कम ज़्यादा हुई है। ऐसा नहीं कहेंगे सिर्फ भारत पे ही इम्पोर्टेड कोल से या दिक्कतें आई हैं, परंतु चूंकि हमारा देश भी काफ़ी बड़ा देश है और हम लगातार मीट आउट भी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि शहरों में या अन्य इमरजेंसी सप्लाई को लेकर हम मीट आउट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा प्लानिंग में मिसमैनेजमेंट रहा है जिसको कि अध्ययन करने का शोध करने का विषय है। अगर हम ढंग से एक प्लानिंग कर ले जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जो प्रोडक्शन बाद में बढ़ा उस प्रोडक्शन को हम सर्दियों के समय में बढ़ा के कोयले की स्टॉकिंग कर लेंगे अगर पावर प्लांट्स में, तो गर्मियों में जो दिक्कतें आती हैं वो कोयले को लेकर नहीं आएंगी। बस एक प्लानिंग की आवश्यकता है और जगह जगह अगर ये प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा सभी मिनिस्ट्रीज में तो ये चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी मैम। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो विंटर्स में समर्स की तैयारी कर ली जाए, एक बैकअप तैयार किया जाए ताकि समर्स में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और मेरे ख्याल से ये इस बार कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा नहीं सुना कि बिजली संकट गहराएगा। पिछली बार अगर अफवाहें आई थी तो उनको शांत भी किया गया, लेकिन अब अगर हम कारणों को समझने की कोशिश करें, एक तो डिमांड कही जा रही है कि बिजली की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, दूसरा जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से फिर कोयले की कमी भी होती जा रही है, आगे की रणनीति को लेकर हम बात करें क्योंकि आपने कहा कि विंटर्स में तैयारी कर ली जाए, कैसे हम कर सकते हैं इसको क्योंकि विंटर्स में एक पूरी प्लानिंग की जरूरत होगी। देखिए मैम, जो आपने मैं आपको बताऊं कि हर जगह पर विगत सालों में क्या क्या डिमांड गई हैं उसके अनुरूप क्या क्या जो है, हम जैसे मान लीजिए हमारी डिमांड लास्ट ईयर जो है अप्रैल में 19,000 मेगावाट गई थी, तो हम अप्रैल के लिए जो जनवरी में तैयारी करेंगे 19,000 मेगावाट से प्लस करते हुए 20,000-21,000 मेगावाट की करेंगे। तो एक कारण तो ये भी हम मान सकते हैं कि विगत 2 सालों में कोविड के कारण जो डिमांड थी वो बहुत ही कम थी, औद्योगिक गतिविधियां भी रुकी हुई थी, वाणिज्यिक गतिविधियां भी रुकी हुई थी, घर में भी लोगों के द्वारा एसी का उपयोग कम किया जा रहा था, तो अचानक से डिमांड का बढ़ना डेफिनेटली एक कारण है जिसकी प्रेडिक्शन नहीं की गई थी कि मार्च में इस समय पर अप्रैल में इस समय पर जो है इतनी ज़्यादा मांग जाएगी, पहली बात तो यह है। दूसरी बात, जो सर्दियों में आपने तैयारी की बात की, तो परियोजनाएं आज की समय में जो आप देख रहे होंगे कि अधिकतम यूनिट है, लगभग लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि
3000 मेगावाट के आसपास यूपी में ही यूनिटें जो है लगभग जो है मेंटेनेंस मतलब जो है टेक्निकल फॉल्ट के कारण बंद है। टेक्निकल फॉल्ट के कारण बंद होने के पीछे रीजन होता है कि आप अगर अध्ययन करें कि इसका मेंटेनेंस कब कराएगा यूनिट का। हाँ। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपने गाड़ी खरीद रखी है और आप उसकी प्रॉपर सर्विसिंग नहीं करा रहे हैं तो गाड़ी आपका उस समय पर धोखा देगी जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जी जी, तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो, कोयले का भुगतान समय पर किया जाए जिससे कोल इंडिया भी प्रोटेक्शन बढ़ाए और आपको प्राथमिकता पे कोयला दे। इसी प्रकार से यार्ड स्टिक जो मेंटेन किए गए हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जो यार्ड स्टिक सेट किए हैं उनको उसी अनुरूप में जो भी डिस्कॉम्स हैं, जो भी स्टेट यूटिलिटीज हैं, वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। और चौथी बात यह है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स खेल कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ये हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिजली संकट गहरा रहा है लेकिन उसके लिए भी तमाम प्लानिंग है कि किस तरह से कोयला को खत्म होने से बचाया जा सकता है, बिजली संकट जो गहरा रहा है उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है और बिजली गुल होगी कि नहीं ये भविष्य में पता तो चलेगा, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है, उसके लिए जरूरी है कि हम भी कुछ मदद करें। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।